तुम तक भांड मठोना, तुम्हारे औखाद ने भांड भी मठोना की, और तुम्हारे जने धंधा का नहीं इस केस में, हम ही सार पता और सब के नाम डिटेल हमारी निकाली थाने पर रहता ना, हमन कुछ कुछ दिए लिए और कुछ की हमन फेर दिया, तो सालो ज्यादा ना भूखे ज्यादा ना भूखिया, अच्छा ब्यो का दिन भी भूखण तुम अब रे बिटेन भूखी भूखी के मरदा तुम, तुम्हारे घर में कोई कत नहीं रही, सब मरी गए तुम्हारे ड्योरों का, कोई समझौन वाल नहीं तुम्हारा, जो तुम एक लड़के को पिछाड़ी के क्या गुनाह करती, सगाई तो करती क्या गुनाह करी है, ती जीवनों का अधिकार नहीं क्या, कत्या पैसा खाए सालो तुम उनके सर पवार मन कत्या भेजते हैं केसर पवार साल, 2 कौड़ी का आदमी वो है, 2 कौड़ी का आदमी राक्षस जे सकल दिखेणी को न दर्शनी को साल, 40 साल को 42 साल को बुढ़ा उसकी औरत चमेला में धंधा कर रही है। केसर कुमार एक जनियान भी चमेला में धंधा करने लगी। तुम्हारी बेटियों को मुजफ्फरनगर वाले भगा कर ले जा रहे, तुम्हारी बेटियां ऋषिकेश में धंधा कर रही, लोक गायक केशर पवार पर भी लगाए गंभीर आरोप। जी हां, ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये वीडियो उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका अनीशा रांगड़ की मां का है, जो अपनी बेटी की ट्रोल से इतना परेशान हो चुकी है कि उन्होंने ट्रोल कर रहे लोगों को खूब सुना दिया। दरअसल अनीशा रांगड़ ने हाल ही में उत्तराखंड में छात्रों को कोचिंग दे रहे विजय जोशी से सगाई की, लेकिन जैसे ही सगाई की तस्वीर वायरल होने लगी तो सोशल मीडिया में बवाल मच गया। लोग अनीशा रांगड़ के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, कोई उन्हें धोखेबाज कहने लगा, कोई उन्हें फरेबी कहने लगा और कोई कुछ कहने लगे कि इनकी दोस्ती तो उत्तराखंड के लोक गायक केशर पवार के साथ थी। अचानक से अनीशा रांगड़ ने किसी और से सगाई कैसे कर ली, कमेंट की बाढ़ आने लगी। लेकिन सोचिए, क्या एक लड़की अब दुनिया से पूछकर सगाई करेगी, वो दुनिया से पूछेगी कि मैं इससे शादी कर लूं। बस इसी बात से नाराज अनीशा रांगड़ की मां को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने वीडियो जारी करने के बाद ऐसे उन लोगों को सुना दिया कि जो अब वायरल होने लगा है। अनीशा रांगड़ की मां ने कई अपशब्दों का प्रयोग भी कर डाला। सोशल मीडिया में इन दिनों अनीशा रांगड़ खूब ट्रोल हो रही है। हालांकि ये वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि उनकी माँ का है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में इस वीडियो की फिलहाल खूब वायरल हो रहा है।